बारिश में फ्रेंड्स माशाल्लाह व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा आता है ट्रेन के सफर में। अभी हम इगतपुरी से थोड़ा आगे निकले हैं और मुझे लगता है ये देखिए चावल की खेती है जो वो हो रही है। सर ये चावल की खेती है ना? चावल की। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जहां मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और हम ट्रेन में इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मादाह के लिए। हम लोग इस वक्त राजधानी एक्सप्रेस में, जहां से तक हमारा सफर है आप सबको रट गया होगा, तो बस इंशाल्लाह सफर भी आपसे शेयर करेंगे और ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा मादाह तक। तो इस ब्लॉग में बने रहिए। जैसे प्लेन में नहीं बोलते हैं कि अपनी कमर की पेटी बांध ले, वैसे बोल रही तुम। आज ब्लॉग अपलोड करना है, बहुत मुश्किल काम होता है यार ब्लॉग अपलोड करना, ट्रेन में स्पेशली बहुत मुश्किल। ट्रेन में नेटवर्क नहीं आते। पानी देखिए फ्रेंड्स कैसे भरा हुआ है, नासिक आ चुका है फ्रेंड्स। और अभी हमारा ब्लॉग 95% हुआ, 5% और होना बाकी है यार। स्टेशन में नेटवर्क आता है और जैसे नासिक निकलेगा, और ये जो नासिक या नासिक हम पहुंच गए हैं फाइनली झांसी। गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश थी, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। सात दिन के बाद हमें सूरज देखने को मिला है। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली आ गए हैं अपने घर। सवा ही पूछे और हम बत्ती सामान पर पड़ अंदर। सलाम तो कुछ नहीं, वालेकुम अस्सलाम, जल्दी जा जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और जैसा आपको पता है कि हम लोग पहुँच गए हैं मौदा, और हम जा रहे हैं मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी की खराब तबीयत। चले रेडी हो गई, आ जाओ जल्दी से फिर चले। तो हम लोग आ गए अब नानी के यहाँ भरुआ, चलते हैं ऊपर। आ जाओ आ जाओ। तो चलो भाई खाना पीना हो गया नानी के यहाँ पे, अब चलते हैं घर। गर्मी बहुत ज्यादा, बारिश हो गई थोड़ी सी, उसके बाद इतनी बुरी गर्मी हो रही है कोई हद नहीं है। क्या क्या लेके आई हो खाना के यहाँ से? मुहर्रम की छठ आ रही है तो बेटी का लंगर किए थे। हाँ। तो लड्डू दिए हैं। अच्छा। और चिकन बनाया था सबके लिए, वो दिया चिकन। डब्बा तो पहले खोलो। और इसमें चावल दिए। चावल भी लेके आ गई तुम? चावल हर बार क्यों लेके आती हो? क्योंकि आप खाते हो खीरा। पापा खाना निकाल दो, भूख लगी बहुत तेज। मौदहा में आते साथ हलीम स्टार्ट हो गया, तो वो भी ने भेजा है फ्रेंड्स हलीम। हाय फ्रेंड्स, अब रात में वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आज दिन भर जो था वो बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों नींद आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से नींद इतनी आ गई थी। वरना मुझे कभी ऐसे दिन में नींद नहीं आती, लेकिन शायद कल ट्रेन में नींद नहीं हुई या जो भी था। तो पहले आके सो गए, उसके बाद अम्मा को लेके हॉस्पिटल गए। अम्मा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, वो थोड़ा बहुत पेट का मसला होता है, क्योंकि वो क्या होता है जब पित निकल जाता है ना, ब्लैडर निकल जाता है, तो फिर कुछ भी खा लो अगर थोड़ा हैवी या नॉन वेज तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर इंसान कभी ना कभी तो खा ही लेता है। परहेज बहुत बड़ी चीज़ है करना, और करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी इंसान कभी कभी ना वो एक उस पर नहीं रह सकता है। एक हफ्ते 10 दिन में कभी ना कभी इंसान का दिल हो जाता है और वही उनके साथ हो जाता है। कभी कभार वो खा लेती हैं और फिर वो तकलीफ हो जाती है। खैर डॉक्टर ने दवा दे दी, अभी वो ठीक है। फिर नानी लोग के यहाँ गए थे, बेटी खासी भी मिलने गए, उनको लड्डू देने थे, उन्होंने आज लंगर किया था। मुहर्रम में यहाँ पे लोग बहुत लंगर करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत सवाब का काम है, सबको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो फिर वहाँ पे ज्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया, इंशाल्लाह कल हम लोग भी करने वाले हैं, वो आप इस ब्लॉग में देखेंगे। अभी जस्ट सोने जा रहे थे। कल मैं आ गई अपना फेस वॉश करने। रात में सोने से पहले हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए, और जिनका ऑयली स्किन है उन्हें तो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि फेस पे जो ऑयल रह जाता है ना उसकी वजह से क्या होता है ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स आते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप चेहरा अच्छे से धो के सो गए ना, तो चेहरे में आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिन भर की जो धूल मिट्टी ऑयल होता है ना सब निकल जाता है। और फेस वॉश करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। तो जब हम अपने टीनेज में थे ना फ्रेंड्स, पहली चीज अगर हमने हमारे घर वालों से सुनी थी अपने चेहरे पर कुछ लगाई थी, वो थी मुल्तानी मिट्टी। मतलब ये तो सब
सबने लगाई होगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ना हमारे फेस को एक बहुत अच्छे से ग्लो दे देती थी। काफी टाइम से ना हम सारे लोगों ने सारी चीजें छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, नहीं लगा पाते हैं, लेकिन मामर्थ ने हमेशा की तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। उन्होंने ये प्रोडक्ट्स निकाल के हमारी लाइफ को और ज्यादा आसान बना दिया है। ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक और मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। फेस पैक तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, वीक में कभी एक दो बार लगा सकती हूँ, मैं कभी और लगा लूंगी, लेकिन अभी मैं अपना फेस वॉश इससे करके सोऊंगी। ये फेस वॉश हमारे फेस पे ऑयल नहीं आने देगा ज्यादा, साथ में एक्ने नहीं आने देगा, हाइड्रेशन बनाए रखेगा, इवन स्किन टोन देगा और साथ साथ हमारे स्किन को ज्यादा ड्राई भी नहीं होने देगा, और ये एवरीडे यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। फेस वॉश करके आ गई हूं फ्रेंड्स, बड़ा ही फ्रेश लगता है। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, वो क्या करेगा, एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ साथ एक्ने नहीं आने देगा, और जो बल्गेरियन रोज है वो हमारे स्किन को हाइड्रेशन देगा और ड्राई नहीं होने देगा। नायासिनेमाइड इवन स्किन टोन देगा, और जो विटामिन ई है वो हमारे स्किन पे जो मॉइस्चर है ना उसे लॉक रखेगा। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, साथ में उनका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपका ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामाअर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहा है, और अब मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। और आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं तो आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप से परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबा 2023, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अच्छी स्किन के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छी टिप, बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए। आज मुझे कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है, एकदम मौसम का चेंज हो गया है। वहाँ बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो भाई मिर्ची देखो कहाँ लगी, ये लगी जेब में डाल लो, भिंडी में लगी है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो चुका है और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अभी प्लॉट पे, क्योंकि आज जो मुहर्रम की वो 7 तारीख है और आज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग लंगर, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। इरफान भी पीछे, हाय पानी आएगा। मामू और मामी भी आ गए हेल्प करने के लिए। गंदा पानी भी आएगा, साफ हो रहा है, धीरे-धीरे साफ हो रहा है। बर्फ गिर गई, बर्फ फ्रेंड्स ऑटो से फिसल के गिर गई, अब ये उठ नहीं रही है, तो ये लोग इसे टुकड़ा टुकड़ा करके फिर उठा के लेके जाएंगे। कश्मीर वाला है। अब ये पत्थर उठा, अब लगा वहां पर। हां मार, ओ तेरी सारी जो की बड़ी बात है। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ना तुम खड़ी होकर कराने वाले बहुत लोग हैं बाहर। मैं बर्फ उठा के ले आऊं, लेके आ जा। चलो तो यहाँ बिरयानी भी आ गई है, उठाओ बर्फ, उठाना भारी है, बहुत भारी टुकड़े उठा रही हो। चलो मुझे कश्मीर में बर्फ नहीं मिली तो यहाँ मिल गई, अरे बहुत ठंडा है। दोस्त को अब डालो, डालो इसमें ड्रम में। सनी घर से चश्मा तो बड़े शौक से लगा के आ गए, यहाँ पे उतार दिया तो मेरे हाथ में था तो मैंने लगा लिया, वरना गुम जाता। और बहुत ही न्यू चश्मा है, काफी अच्छा, तो हमने चाहते खराब हो जाए। मैं से आप क्या कर रही हो, सब मिलके काम करा रहे हैं यहाँ पे। हाय कर लो जोर से, आवाज नहीं है। क्या ये देखो, मुझे तो लगा ये ओट में लगाने वाला है। यहाँ मिलते हैं, क्या करते इसे खाते हैं, खाते हैं। हाँ। ये तो लिप बम लग रहा था, कैसे खाते हैं? अच्छा होता है। हाँ। जेली है, नुकसान करेगा जी। ये पाउच पानी में रहेंगे, ठंडे रहेंगे। साफ कर दिए, बिछा दिया, अब यहाँ पे बैठ के बना लेंगे पैकेट्स, फिर यहाँ से लंगर करेंगे। बहुत सारा बाद में देखूंगी। फ्रूट्स लेने के लिए आ गए फ्रेंड्स अभी हम। आ चुके हैं फ्रेंड्स घर फ्रूट्स लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल तो तुम मिली नहीं थी, बाजार में लेटी थी, हम भी चले गए थे। आज फरारा पहन के आऊंगी। क्या पहन के? फरारा। ठीक है, देखूंगी। कितने बजे आओगे?
4 बजे आओगे? बहुत ज्यादा गर्मी है, एप्पल खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, नहाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे लंगर होएगा। ये सनी का कुर्ता प्रेस करा फ्रेंड्स, मैं इस प्यारी सी जनमाज में नमाज पढ़ी हूँ आज। ये हमें भेजी है किसी ने, उनका पेज मुझे नहीं पता, नाज़दीन शायद नाम था, उन्होंने ये मदीना से हमें भेजी है, मतलब या वो गई होंगी तो लेके आई होंगी। बहुत ही खूबसूरत जनमाज है, अल्लाह आपको भी सवाब देगा इस चीज़ का। अभी हो गया सारा लंगर पैक? हाँ बस हो ही गया है, लोग सब कर रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत कर लिया उससे अच्छे से हुआ नहीं। लेकिन अभी मुमानी की आज हमारी दावत है तो हम जा रहे हैं खाना। लेकिन खाना हम लोगों ने खा लिया है फ्रेंड्स, और अभी चलते जो पलंग है वो आने वाले हैं तो बाहर चलते हैं। मुंबई में हम आ गए कल, पता नहीं कब आ जाती है, कब चले जाती है। सालों बाद भाभी किया है ना यहाँ का, बचपन की याद आ रही है। साल कभी किया है यहाँ का, जब ताने लोग छोटे थे तब किया होगा। बलून चलो पे, आपको कैसा लग रहा है मौदा आके मोहल्ले में? बहुत अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम है ना? हाँ, अपने जब से मैं बड़ी हुई तब से फर्स्ट टाइम है। छोटी तुम्हारी एज में तब किया था, तब थोड़ी किया थोड़ी था आपने, तो अच्छा भी बहुत लग रहा है। और वो जो पुराना टाइम है उसे मिस भी कर रही हूँ। हाँ, अम्मा को भी मिस कर रही हूँ। बड़े मामू इनको तो आप पहले से जानते ही होंगे, तो आज इन्होंने यहाँ पे हम लोग को बुला लिया कि हम लोग मिस ना करें, नानी नहीं है ना, तो इन्होंने उनका फर्ज निभाया है और आके यहाँ पे बुलाया है, खाना खिलाया है हमारे। अल्लाह उम्र बरकत दे, कामयाब करे, ये मेरी बहन जी है जाएगी, अल्लाह को मैं एक मेरी बहन जी है जाएगी, अल्लाह उम्र बरकत दे, कारोबार उनका जोड़ा सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम। रचना दीदी का नया स्टाइल देखे, चश्मा लगा के आंख आ गई है ना। खत्म हो गया है? बस अभी बस, बहुत सारा माल बचा है, बहुत सारी हुई है भाई साहब, खत्म होने वाला आइटम नहीं है, दे दो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो 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 चलो, आज का कैमरा मैन मेरी सेवा समाप्त। खाना खिला दिया था मौनी ने, अब चाय बना के पिलाई है, एक उठा लीजिए उनकी। आज हम लोग दिन भर मामू के यहाँ पे रहे थे, लंच किया, शाम की चाय पी, और यहाँ देखिए आज कितना सूना है। वहाँ अंदर जाने के लिए कोई है ही नहीं क्योंकि नानी यहाँ पे है ही नहीं। हर चीज़ से फ्री होके फाइनली अलहमदिल्ला घर आ चुके हैं, नीचे बैठे हुए थे, फिर अभी सनी चले गए बाहर, वो बोल रहे आज हम दोस्तों में काफ़ी बाहर रहेंगे, इसलिए परेशान मत करना, इसलिए मेरी कंपनी के लिए आ गई है महर। और दिन में तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना खा लिया था मामू के घर पे, तो अभी महर को ये खिला रहे हैं और अभी मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। कल तो किसी का बर्थडे है, कैसा लग रहा है? कल का क्या प्लान है? कल तो हमें पार्टी दो, दे देगा पार्टी। बर्थडे की कोई खुशी नहीं होती? क्यों? सेलिब्रेट बहुत कम करते तो नहीं होती है, जो कंटिन्यू बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो उनको थोड़ा और अच्छा लगता है कि बर्थडे आ रहा है। और मैंने तो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया तो मेरे लिए नॉर्मली डे लगता है। चलो अभी अच्छा, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो नहीं कुछ। सनी तो आज फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लेट आएंगे, अभी भी नहीं आए, उनका आने का टाइम होता था। हम लोग चलते हैं नीचे, अम्मा के पास बैठते हैं थोड़ी देर कहीं पे कुछ। फ्रेंड्स अभी मैं पढ़ लेती हूँ ईशा की नमाज और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। महर सो गई थी, अब आराम से जाके सो जाना और एडवांस में हैप्पी बर्थडे, कल मिलते हैं, गिफ्ट सोच के बता देना, ठीक है? बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्यों रो रही है? रो नहीं रही। फिर चलो।
लोगों को लगेगा कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम लेट आए थे, मैंने तुम्हें आज परेशान नहीं किया ना। हाँ, ये सफाई देने के लिए। हाँ, उसने मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं किया और दिन भर मुझे फोन करके भी नहीं पूछा तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। हाँ। और मैं अभी रात में आया हूँ, तुम मुझसे लड़ाई कर रही है कि तुम इतना लेट क्यों आया हो। मैंने नहीं लड़ा, देखो सच बोलो, मैंने आपसे एक बार भी नहीं बोला आप लेट आए। किया किया सच बोलो, फिर सब ऐसे मेरे पीछे पड़े रहे। हाँ नहीं किया, नहीं सच में नहीं किया उसने, और दिन भर बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया। उसको पता था कि मेरे पास बहुत सारे काम, जैसे आपको पता है कि आज मोहर्रम की 7 तारीख थी मोहर्रम में, तो यहाँ पे जुलूस भी निकलता है कुछ, तो उसके लिए हमने सोचा कि लंगर कर देते हैं, और लंगर करना भी एक सवाब का ही काम है। तो बस हमें एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, हमने वो करी, चलते खाना खाते भी। दाल जो है वो एकदम जम चुकी है, ऐसे पिघला लेंगे। अभी हमारा हो रहा है खाना गरम, बिरयानी गरम हो रही है, जर्दा गरम हो रहा है, दाल सबा खाएगी बस। घर पे बने थे दाल चावल और जर्दा बिरयानी, बाकी सारी चीजें मुमानी और मामू ने पैक करके भी दे दिया था घर के लिए, और फिर अभी बेटी खा लेंगे, यहाँ से भी कहीं लंगर आया था तो उन्होंने भी दे दिया। तो आज अलहमदुलिल्लाह बहुत सारी चीजें खाने के लिए खाऊंगा। ये जर्दा मुमानी ने ये बहुत अच्छा बनाया था, वही गर्मा गर्म बिरयानी। मैं नहीं खाऊंगा बिरयानी क्योंकि मैं डाइट करता हूँ। कितना अच्छा जोक मारा है आपने, पूरा इंडिया पूरे देखने वाले आप पे हंस रहे होंगे। तुमने भी जर्दा गरम कर दो, आप धोखा हो गया। दाल के चक्कर में हम लोग हलीम गरम कर लिया, जब मैंने उसमें देखा तो यहाँ नींबू था। अब हलीम हलीम चावल खाओ, दाल चावल खाने गरम की थी दाल। नहीं ना, देखो हलीम में भी दाल तो होती, तो हलीम चावल ये कैसा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, आपने कभी खाया हलीम और चावल? फ्रेंड्स दाल मिल गई है, दाल मिल गई, अल्लाह का शुक्र है दाल मिल गई। आ चुके हैं फ्रेंड्स ऊपर, डिनर कर लेते हैं। अभी हम लोग खाना खा के आए हैं, रोशनी देखी कितनी शानदार, पूरे मौदहा की लाइट चेंज हो चुकी है क्योंकि मौदहा वालों को भी पता है कि सबा को लाइट्स पसंद है। अब जब से मैं यहाँ आने लगी हूँ तो लाइट्स भी लगने लगी। अरे भाई, मैं फिर से बोल दो, अरे फ्रेंड्स कल इस वीडियो को एंडिंग नहीं रहता, सोचा एंडिंग नहीं रहती हूँ, और आप सबसे ये बताना था कि बहुत सालों बाद मैंने मौदहा में मुहर्रम देखे हैं, क्योंकि हम लोग आ नहीं पाते थे जब मैं छोटी थी, जब गर्मियों की छुट्टी में मुहर्रम पड़ते थे तब हम लोग आते थे। तो कल नानी भी नहीं थी, अम्मी लोग नहीं थे, भाई पहले सब लोग छोटे छोटे थे ना, तो वो टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, और बहुत ऐसे रियलाइज भी हो रहा था कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, इतने साल इतनी ज़िंदगी के निकल गए और पता भी नहीं चले, और कितना कुछ बदल गया। मुहर्रम तो मतलब आप कहीं से भी मना सकते हो, मनाने की कोई चीज़ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, वो तो उनकी याद की चीज़ है, उनको याद करना, उनके लिए पढ़ना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। लेकिन मौदहा में क्या होता है, एक अलग माहौल होता है, क्योंकि लंगर हो रहा है, मिलाद हो रही है, और हर एक की यही कोशिश रहती है कि वो हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हुज़ूर पाक हमसे राज़ी हो जाए। लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि हम मुहर्रम के लिए मौदहा जा रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे आप शिया हो क्या, तो देखिए शिया सुन्नी वाली बात नहीं होती है। सुन्नी और जितना भी जो भी फिरका परस्ती जो भी लोगों ने बना दी, वो दुनिया में यही पे आके बना दी। मेन मसला ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस चीज़ के लिए शहीद हुए थे, इस्लाम के लिए शहीद थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, जो उन्होंने सुन्नतें बता दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर अमल करिए, नमाज़ें पढ़िए, अच्छे काम करिए, बस और क्या है, ज़िंदगी यही है, छोटी ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी, चले जाना है तो अच्छे काम करिए। शिया मनाते हैं मुहर्रम, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत है, वो सब याद करते हैं। नहीं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भूखे प्यासे रह के कर्बला के मैदान में अपने मासूम बच्चों के साथ, और जो भी 72 लोग थे वहाँ पे, वो सारे शहीद हो गए इस्लाम के लिए, तो क्या हम उनके लिए रोज़े नहीं रख सकते, उनके लिए हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हम लंगर नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, इसमें शिया और सुन्नी का कोई मामला नहीं है। शिया सुन्नी कौन क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों के मसले में ना पड़े, अपने अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करें, जो है वो सबके हैं। तो बस आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत होना चाहिए। और इसी बात पे ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एक सलाम है सन्नी जो सुनते हैं, और मैंने कहा आज के दिन तो आपको इसे सुनाना चाहिए। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को भूखा सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा सताया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन बुन हैदर पे लाखों सलाम,
मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन।